सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, मैम का भी, और सबको मेरी सत श्रीकाल और नमस्ते और सलाम। मैं अपना कैसे बताऊँ, समझो यही समझिए कि हमको कभी ये मत समझो कि ये कैंसर जो है हमारे लिए कोई बीमारी है, ये समझो कि हमें कोई शायद कोई वरदान मिला है कि हम लोगों को दुनिया को क्या देखना हमने या कैसे हमने देखना है, वो एक हमारी सोच हम किस तरह से देखेंगे। और सबसे पहले बात यह है कि हमें पहले अपने आप को पक्का करना है, अगर हम अपने आप को पक्का करेंगे हम इस लड़ाई से बहुत इजीली जीत लेंगे ये लड़ाई। और मैम से पूछिए, मेरे को जब पता चला था मैंने एक आंसू भी नहीं बहाया, मैंने ये सोचा, इसको पॉजिटिव सोचा, मैंने कहा कि शायद भगवान ने मेरे को टाइम दिया है कि जो मेरे काम कुछ अधूरे रह गए जो मैंने छोड़ दिए उनको मैं पूरा करूँ। कईयों को तो ये टाइम भी नहीं मिलता, आज जाग रहे हैं सुबह गए मिल भी नहीं पाते। तो इसके अलावा मैं और क्या कहूँगी, परमात्मा का शुक्राना करती हूँ, उसके बाद मेरे लाइफ पार्टनर का जिन्होंने मेरा पूरा साथ दिया, मेरी फैमिली ने, क्योंकि मैं खुद नहीं रोई। मैं ये सोचती थी अगर मैं रोऊंगी ना, सबसे पहले हमें अपने आप को फिट रखना है, क्योंकि हम अगर रोएंगे तो हमारे ऊपर वाले ना वो हमसे ज्यादा सर्वाइव करते हैं, वो उनको हमें रखना टाइट, बिल्कुल जब हम भी रहेंगे तो वो अपने आप ही खुश रहेंगे। और इसी तरह ये लड़ाई को हम ऐसे ही जीतते चले जाएंगे। उसके बाद मैम है, मैम ने तो मैम की जो मुस्कुराहट है ये बात सच है, किसी ने ठीक कहा है कि इनकी मुस्कुराहट से हम आधी जंग से वैसे ही जीत जाते हैं। और रियल में आप और मैं जब भी हॉस्पिटल आती वेट करती थी कब आया, कौन सा दिन है, जाना है मैम से मिलना है। सच्ची में रियल में एक हमको मैम डॉक्टर नहीं, हमारी फ्रेंड नहीं। थैंक यू।